हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एक सुकैम का सिंगल मॉडल साइन वेव इन्वर्टर आया है, फाल्कन सुकैम का सिंगल बैटरी का, और इसका मैंने बोर्ड बार निकाल लिया है क्योंकि टाइम बच जाए, इसलिए वीडियो छोटी से छोटी बने और जो फॉल्ट है, जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बता पाएँ। तो ये बड़ी अच्छी बात कही, इसलिए मैंने पीसीबी बार निकाल लिए पहले ही, और फॉल्ट था इसमें भी, मैन नहीं पकड़ा था बैटरी पर ऑन रहा था। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें देखा भी, एक तो इसका जैक जड़ा हुआ था, ये देखो ये जैक जड़ा हुआ था, 4 पिन का जैक है, नोटल MFB यहाँ पे फ्यूज में, फ्यूज का होल्डर है, उससे एक वायर आती है वो लगती है यहाँ पे, ये लाइन इनका है जो 220 यहाँ पे देनी है, और लाइन आउट ये आउटपुट का है जो आउटपुट लगेगी। 4 पिन का जैक है दोस्तों यहाँ पे लगेगा, और ये डायोड से दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 डायोड हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर बनता, 5 डायोडों का 4007 नंबर यहाँ डायोड लगेंगे दोस्तों। जैसे ये निशान बन रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर भी एक लाइन होती है पट्टी सी, वो पट्टी को देखकर डायोड इस तरह लगाने हैं, वो मैं जैसे लगाऊंगा आपको दिखाता रहूँगा। और एक प्रीसेट है दोस्तों 502 का, ये मेन पे होता है, ये भी बदलना पड़ेगा। तो एक जैक हो गया, एक डायोड हो गए, एक प्रीसेट, ये 3 चीज़ें हमने इसमें लगानी है, और फिर इसको लगा के बोर्ड को फिट करेंगे। और बोर्ड ये देखो दोस्तों, साइन वेव का बोर्ड है ये, इस तरह का ये बोर्ड होता है, अगर आपने पहले भी देखा होगा, दो मॉस्फेट लग रहे हैं दोस्तों, 800 वाट का है ये। ये देखो दोस्तों साइन वेव मॉडल है ये, और लेकिन मॉडल बहुत पुराना है दोस्तों, 2004 मॉडल है दोस्तों ये, और बहुत अच्छा चलता है, कॉपर में है। तो बने रहो, मैं इसमें एक बार ये 4007 नंबर डायोड लगा देता हूँ, प्रीसेट लगा देता हूँ, और फिर फिट करके आपको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो डायोड पे एक साइड नहीं पट्टी बनी होती है, देखो ये क्रीम कलर का गोल्ड सर्कल है, और यहाँ पे भी पट्टी बनी होती है, तो उस साइड ये करके हमने ये डालना है दोस्तों। तो अब एक बार मैं डायोड पूरे कर लेता हूँ, और ये जैक लगा लेता हूँ, प्रीसेट 502 है, ये चेंज करके और फिर फिट करके चेक करते हैं। लोग फ्रेंड्स डायोड लगा लिए हैं, 6 डायोड लगा लिए, 2 और 2 4 5 थे, 2 और 2 4 5, और ये जैक लगा लिया। भाई ये जैक भी जल रहा था नीचे, तो इसके प्रिंट जल रहे थे, देखो ये 2 प्रिंट जल रहे थे, ये बनाए हैं, ये वाले 2 प्रिंट हैं, ये जल गए थे, ये बना दिए और जैक लगा दिया। अब इसको एक बार इन्वर्टर में फिट करके और चेक करते हैं दोस्तों। बोर्ड फिट कर लिया है, ये दोस्तों बोर्ड फिट कर लिया है, बैटरी पे भी जोड़ लिया, अब इसको ऑन करते हैं, ऑन हो गया, देखो आउटपुट लगा दिया, मैन दे के देखते हैं, चार्जिंग नहीं पकड़ा था भाइयों, मैन ऑन कर दिया मैंने, अभी थोड़ा टाइम लगता है, मैन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो ये मैन आ गया, अभी चार्जिंग भी आ गई है, उसी की प्रॉब्लम थी भाई, तो जैक जड़ा हुआ था और ये डायोड खराब हो रहे थे, ये चेंज कर दिए, और भाई ये ठीक ठाक चल पड़ा है देखो। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद दोस्तों।